बात करते हैं मुंगेली के छीतापुर गांव की, जहां कोरोना संदिग्ध मजदूर की मौत हो गई है। मजदूर गांव में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में ठहरा हुआ था। मजदूर को तेज बुखार था और वो डायरिया से पीड़ित था। तबीयत बिगड़ने पर पंडर भट्टा के अस्पताल में उसका इलाज कराया जा रहा था, लेकिन एक बार फिर मजदूर की तबीयत बेहद ज्यादा बिगड़ गई। इस बार मजदूर को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं मिली, जिसके बाद ऑटो से अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मजदूर को एम्बुलेंस नहीं मिलना स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही को दिखाता है। कलेक्टर ने सीईओ को जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि मजदूर 10 मई को हैदराबाद से लौटा था और कुछ दिन पहले ही उसके नवजात बेटी की मौत हुई थी। अस्पताल में यहाँ पर रैपिड टेस्ट भी करवाया जा रहा है, जिसमें क्वारंटीन सेंटर में लोग रह रहे हैं और बैरिकेटिंग भी करवाई जा रही है पूरे क्षेत्र की। यहाँ पर बाहर से जो मजदूर आए हैं उनको, श्रमिकों को रखा गया है, संदिग्ध नहीं है, बाहर एहतियातन के तौर पर इनको रखा गया है।